मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वीतरागी देव शास्त्र समाधि मरण का प्रसंग चल रहा है। इसमें द्रव क्षेत्र काल के बाद भावों की चर्चा चल रही थी। भावों की निर्मलता का एकमात्र उपाय स्वभाव को जानना है। स्वभाव को जाने बिना करोड़ उपाय करने पर भी भावों की निर्मलता संभव नहीं है। थोड़े देर के लिए मन बहलाया जा सकता है, नमोकार मंत्र पढ़ने में आपका ज्यादा चित्त नहीं लगेगा। जब आपको बहुत कष्ट हो, जब आप भूखे हो और कोई आपसे कहे कि आप नमोकार मंत्र की माला फेरो, भक्तामर का पाठ करो, शास्त्र पढ़ो, तो आपका चित्त नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। मन मार के थोड़ी देर समय व्यतीत किया जा सकता है, लेकिन उससे हमारा दुख शमन नहीं होता है, दुख दूर नहीं होता है। अर्थात पंच परमिष्टि का आश्रय, परद्रव का आश्रय पर के लक्ष्य से शांति नहीं हो सकती है। थोड़ी देर के लिए समय व्यतीत किया जा सकता है, थोड़ी देर के लिए हमें लग सकता है कि साहब भक्तामर पढ़ा तो चैन आ गई, नौकर मंत्र पढ़ा तो चैन आ गई। वास्तव में असली चैन तो स्वभाव को जानकर आती है। इसलिए परिणामों की निर्मलता की जो बात है, भावों की निर्मलता की बात है, तो जो अत्यंत अशुभ में बरत रहे हों उन्हें तो ये कहते हैं कि तुम पंच परमेश्वरी का चिंतन करो, शास्त्र पढ़ो, थोड़ा विचार करो, नमोकार मंत्र पढ़ो, जो जैसी ताकत वाला हो, जैसी योग्यता वाला हो, उसको वैसा काम कहते हैं। लेकिन असली बात यह है कि स्वभाव को जाने बिना भावों की निर्मलता संभव नहीं है। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते हैं और सुख जाता दूर है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? जब हम सुख प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं तो हमारा सुख दूर क्यों चला जाता है? जब हमने सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न किया है ना, तो वो दूर क्यों चला जाता है? इसलिए कि तुम्हें नहीं मालूम कि सुख का स्वभाव कहां है। हम दूध को मीठा तो करना चाहते हैं, लेकिन कभी स्वर्ण डालते हैं दूध में, कभी चांदी डालते हैं, कभी हीरे डालते हैं, कभी मिट्टी डालते हैं, कभी पत्थर कंकर डालते हैं। हम अनेक उपाय करते हैं, करोड़ों प्रयत्न करते हैं दूध को मीठा करने का, लेकिन हमारे दूध का नाश हो जाता है। ये तो दृष्टांत है। ऐसे ही स्वभाव को जाने बिना कभी हम सुखी होने के लिए सुख हेतु प्रयत्न करते हैं, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते। कौन सा प्रयत्न करते हैं? अच्छा भोजन करो, सुखी होंगे, अच्छे वस्त्र पहनो, अच्छे स्त्री पुत्र आदि हो, अच्छा व्यापार धंधा हो, अच्छी ख्याति हो, इससे ज्यादा क्या उपाय करते? सुनो, ऐसे सुख प्राप्ति के प्रयत्न करने से सुख दूर चला जाता है, दूर चला जाता है, पास नहीं आता है। चलो ये उपाय नहीं करते तो दूसरा उपाय करते हैं। जैसे हम पंच परमेश्वर की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, विधान मानते हैं, पंच कल्याण कराते हैं, शिविर लगाते हैं, अब तो ठीक है, शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र छपाते हैं, प्रवचन करते हैं, अब तो ठीक है। ये ऐसा ही है जैसे कोई दूध में कंकर पत्थर डालता था वो तो पापी था, और कोई दूध में हीरे माणिक मोती डाले तो भी दूध मीठा नहीं होता। तो फिर क्या करें कि हीरे दूध को मीठा करने के लिए तो शक्कर चाहिए, इसके सिवा कोई अन्य उपाय नहीं है। ऐसे ही सुखी होने का एकमात्र उपाय अनादि अनंत तीन काल में, अनादि काल से तुम शासन शेय अमेय जीव, अमेय जीव अनेको जीव, अनेको अमेय माने अनेक, तुम शासन शेय अमेय जीव शिव गए जाहिं जय हैं सधीव। तीनों काल में सिद्धालय में गए हैं, ये देखो सुखी हुए हैं। ये कई उपाय, एक उपाय, इसके सिवा अन्य उपाय करने वाले चार गति में घूमते हैं। बताओ पुण्य के आश्रय से एक आदमी मोक्ष गया हो तो बोलो, पुण्य के आश्रय से, स्वभाव के आश्रय से,
पंच परमेश्वर के स्मरण करने से एकाध मोक्ष में गया हो तो बोले हो। उन्हें पंचास्ती काय जी में तो ऐसा लिखते हैं, उन्हें स्वर्गादि के क्लेशों को भोगते हैं। ऐसा शब्द आए हैं, स्वर्गादि के क्लेशों को भोगते हैं, ऐसा शब्द लिखा क्लेश। क्या कहना है भाई, सुख प्राप्ति हेतु सच्चा प्रयत्न, जैसे दूध मीठा करने का एक ही प्रयत्न है शक्कर डालो, ऐसे सुखी होने का एक ही प्रयत्न है स्वभाव को जानो। स्वभाव को जाने बिना सुखी नहीं हो सकते। अभी इसकी चर्चा विस्तार से करें, उससे पहले ये भावों की निर्मलता का प्रश्न तब चल रहा है जब हम बीमार होते हैं, जब हमें लगवा लग जाए मरते समय, हमें कोड निकल आए, हमें हार्ट में अटैक आ जाए, अथवा तो हमें ब्लड प्रेशर हो जाए, अथवा हमारी बहुत अशक्त दशा हो जाए, सिर भयंकर फट रहा हो, आंखों से दिखना नहीं हो, कानों से सुनना बंद हो जाए, पाप की असाता की इतने तीव्र उदय आने पर अब हम क्या करें। किसान भाव निर्मल करने का एक उपाय है, डॉक्टर की दवाई खा लो, ये कोई उपाय नहीं है कि ठीक है साहब आप तो शांति से सो जाओ इंजेक्शन लगवा के, वो कोई उपाय नहीं है। तुम सच्चा उपाय बताओ। वो सच्चा उपाय एक है, स्वभाव का अवलंबन। एक बात कल बहुत अच्छी लगी, विचार आई हमको बाद में। देखो भाई, यदि रोगादि के काल में तुम क्लेश करोगे तो पापों का उदय का उत्कर्षण होगा, अपकर्षण नहीं होगा। स्वभाव का आश्रय लेने वाले, भेद विज्ञान करने वालों को पापों का अपकर्षण होता है। अपकर्षण माने कम होते हैं, 100 डिग्री के पाप 10 डिग्री रह जाते हैं। असाता का उदय तो आता है ज्ञानियों को, लेकिन 100 डिग्री का आने वाला था वो 10 डिग्री रह गया। पापियों को, अज्ञानियों को, अविवेकियों को 10 डिग्री का पाप 100 डिग्री हो जाता है। इसको कहते हैं उत्कर्षण। उत्कर्षण माने बढ़ गया पाप का उदय आपका। इसके लिए सरल दृष्टांत इतना है, कभी आपने घर में देखा होगा दूध में शक्कर कम थी, शक्कर कम है, फीका रह गया ना दूध, तो अचानक इतना गुस्सा आया कि दूध को उठा के दे मारा किसी के सिर पर, अथवा फेंक दिया। तो हम आपसे पूछते हैं, दूध में मिठास की कमी, ये कौन से पाप का उदय था? क्या जरा शक्कर ही तो और डालनी थी, आधी चम्मच और ले लेते शांति से। मैं, तुम्हारे पाप का उदय इतना था कि तुम्हें दूध में कम मिठास प्राप्त हुई, लेकिन तुमने गुस्से में उठाकर फेंक दिया, ये तो आपने और ज्यादा नुकसान कर दिया। गिलास टूटा फूटा, दूध गया, साथ में तुम्हें कसाई हुई, उस कसाई के बदले में यदि एक आध भाव बढ़ गया, 2-4 भाव बढ़ गए, थोड़े बहुत भी बढ़े, तो कितना फायदा हुआ? खुद को क्लेश हुआ, ठीक है अब नहीं रहना मुझे इस घर में, अब मुझे नहीं खाना पीना। अब गुस्से में तुमने एक आध दिन रोटी नहीं खाई, दिन भर चलते ही रही, फिर उस तुम्हारे निमित्त से सामने वाले को भी कसाई हुई है? क्या तुम चले गए तो फिर माता जी गुस्से में तो थी, तो बच्चे को पिटाई कर दी, बच्चा स्कूल में गया तो दूसरी पिटाई कर दी। माने एक उत्कर्षण का उपाय दृष्टांत है, उत्कर्षण होता है ना, उत्कर्षण। तुमने थोड़ी ही क्षमता रखी होती, थोड़ा ही विचार किया होता, दूध में शक्कर की कमी रह जाना कोई पाप का उदय नहीं है, दूध में फीकापन हो जाना ऐसे कोई ऐसी तकलीफ नहीं है जिसके कारण दूध फेंक दें उठा के, या कसाय करें, गालियां दें, चिल्ला चोट करें, जिससे हम पाप बंध को बढ़ा दें। थोड़ी शक्कर ही तो मांगी जा सकती है। एक छोटा सा दृष्टांत दिया, छोटे से पाप को उदय को हमने बढ़ाकर बहुत बड़ा कर लिया। आप और देखो, आपको ब्लड प्रेशर हो और आप दौड़ लगाओ, क्या होगा? बढ़ जाओ तो बेहोश होकर और गिर पड़ोगे, चक्कर खाए गिर पड़ोगे। शांति से लेट जाओ, बीमारी हुई है, तकलीफ हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, तकलीफ हो रही है, लेकिन तकलीफ मिटाने का उपाय बाहर नहीं है, ये कहना है। ताश उपाय न आन, ज्ञान घन घान बुझावे। तुम्हारा ज्ञान समाधानकारी है, तुम शांति से विचार करो, विवेक का प्रयोग करो। सिर दर्द हो रहा हो और तुम और उल जलूल बोलो, चिल्ला चोट करो, इधर देखो उधर देखो, इधर भाग उधर भाग, सिर दर्द ठीक होने का ये कोई उपाय नहीं है। चिल्ला चोट उपाय नहीं है, ऐसे ही रोग आदि के काल में क्लेश करना कोई उपाय नहीं है। क्लेश करने से, 4 दृष्टांत दे दिए, क्लेश के करने से असहता का उदय कई गुना बढ़ के जाता है, बढ़ जाता है। ख्याल में आया? तो ये ध्यान रखना, रोग आदि होने पर, असहता होने पर क्लेश करना कोई उपाय नहीं है। सबसे अच्छा उपाय है स्वभाव को जानो। क्या जानो? कि शरीर का आत्मा में अत्यंत भाव क्या है? अत्यंत भाव है। शांति से देखो तो, देखो ना, शरीर का आत्मा में अत्यंत भाव है।
तो शरीर के रोगादि का आत्मा में अत्यंत अभाव है। आत्मा माने मैं, मेरे में रोगादि का अत्यंत अभाव है, वही गाय है। ए हम तो सही बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे। प्राकृतिक चिकित्सा या साइकोलॉजी जो डॉक्टर्स होते हैं वे भी यही कहते हैं, जो योगासन वगैरह करवाते ना प्राणायाम, वे ऐसा कहते हैं। आपने सुना होगा, जो लोग जाते होंगे, देखो ताजगी भर रही है, रोग जा रहा है, मैं निरोग हो रहा हूं, ऊर्जा का विकास हो रहा है, चेतना का विकास हो रहा है, तो वे तो झूठ बोलते हैं। क्यों झूठ बोलते हैं? कि सरासर रोग है, फिर भी कहते हैं कि नहीं, साइकोलॉजी यह है कि तुम यदि ये सोचोगे रोगी हो तो पीड़ित होगे, और ये सोचोगे कि मैं निरोगी हूं तो निरोगी हो जाओगे, ये उनका कहना है ऐसा है। लेकिन हम ऐसा नहीं कहते, हम आपको सचमुच कहते हैं आत्मा में शरीर का अत्यंत अभाव है, आत्मा में रोगादि का सचमुच अत्यंत अभाव है। आत्मा में रोग है ही नहीं, आत्मा में हर्ट नहीं, हर्ट का अटैक नहीं, नहीं, नहीं। आत्मा में ब्लड नहीं, ब्लड के प्रेशर का क्या काम है? आत्मा में हेड ही नहीं है तो हेड एक ईमानदार। अच्छा आत्मा में है, है आत्मा में है। अब जरा भेद विज्ञान, इसका मतलब भेद विज्ञान करो, थोड़ा भेद विज्ञान करो शांति से। आत्मा जान रहा है, देह अत्यंत बाहर है। एक बहुत अच्छी बात आई है रत्नकर साहब का चार्ज में, देखो भाई असाता के उदय में हम दूसरों की तो क्या बात करें, हम अपने निकट में रहने वाले इस शरीर के एक भी परमाणु का परिणाम नहीं करा सकते। बालों को काला होने से, सफेद होने से नहीं रोका जा सकता। ये नब्ज को, नब्ज की धड़कन हमारे हाथ में नहीं घटाना बढ़ाना, इसकी उष्णता अरे बुखार और बुखार की कमी करना हमारे हाथ में नहीं। फिर से कह रहा हूं, असाता के उदय में इस देह की तो कौन कहे, स्त्री पुत्र आदि के प्रतिकूल होने की तो कौन कहे। फिर से सुनना, असाता के उदय में स्त्री पुत्र आदि प्रतिकूल है, उसमें तो कोई आश्चर्य ही नहीं। अरे हमारा देह इतना निकटवर्ती है, यही हमारे अनुकूल नहीं परिणमता। अरे ये नहीं परिणमता, इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है। जब हमारे परिणाम ही हमारा साथ नहीं देते तो ये शरीर तो बहुत दूर है। रत्नकर साहब का चार्ज ने क्या कहा, जब हमारे परिणाम ही हमारे अनुकूल नहीं चलते, हमारे अनुसार नहीं चलते, तो ये देह तो बहुत दूर रही। और जब देह दूर है तो देह के रोग, स्त्री पुत्र आदि की तो बात बहुत दूर रही। इससे क्या कहना चाहते हैं, हे आत्मन, आत्मा का स्वरूप जानकर निष्प्रयी हो, शरीर की स्पर्हा मत करो, वांछा मत करो, कांछा मत करो, शरीर में निरोगता की कांछा मत करो। यदि व्यवहार से कांछा करना भी हो तो इतनी कांछा करो कि मैं निकांछित हो जाऊं। क्या कह रहे हैं, मेरे को इस देह के प्रति कोई कांछा नहीं रहे। स्त्री पुत्र आदि क्या करें, पुण्य के उदय में पानी देते हैं, पाप के उदय में पानी को नहीं पूछते हैं। हे प्रभु, अब इतनी कांछा है कि पुण्य के उदय की भी कांछा ना रहे। स्त्री पुत्र आदि से तो रागद्वेष की बात ही नहीं रही, लेकिन पुण्य के उदय की भी कांछा, क्योंकि पुण्य के उदय की भावना वो बंद का कारण है, और वो बंद संसार बुलाएगा। कदाचित थोड़ी देर पुण्य आ भी गया तो बाद में पाप लेकर आएगा। एक पॉइंट और कहना चाहते हैं रोग आदि के मामले में। मैंने तीन चार दिन पहले ये बात कही थी कि महापुण्य के उदय से रोग आते हैं। महापुण्य के उदय से उसका एक कारण है कि देखो भाई, पाप के उदय में केवल इतना ही होता है कि एक या दो घंटे की सुप्रवृत्ति में कमी आती है, लेकिन 22 घंटे नहीं तो कम से कम 15-16 घंटे की सुप्रवृत्ति हो जाती है। नहीं आई समझ? नहीं आई? जब तुम अच्छे खासे थे, चलते फिरते थे, तुम मंदिर में कितनी देर जाते थे यार, कितनी देर स्वाध्याय करते थे, कितनी देर पूजा करते थे, सुप्रवृत्ति कितनी थी तुम्हारी? मुश्किल से 2 घंटा, वो भी इन दिनों में समझ लो। बाकी दिनों में तो चावल चढ़ाए और भोजन की परमिशन ली और घर गए। नहीं। लेकिन मान के चलो 2 घंटे भी आप रोज लगाते थे, तो 2 ही घंटे तो लगाते थे, 22 घंटे तो विषयों में ही जाता था। अब देखो कितना बढ़िया सौभाग्य मिला है हमें, हमने कोई परिग्रह परिमाण नहीं किया अभी, अभी हमने आरंभ त्याग प्रतिमा नहीं ली है, लेकिन हमें कोई आरंभ नहीं करना। कोई नहीं कह रहा है कि रोटी बनाना, कोई नहीं कह रहा है दुकान जाओ, तो आरंभ त्याग ऑटोमेटिक हो गया। मतलब जो हम आरंभ त्याग प्रतिमा लेते हैं उसका प्रैक्टिकल कर लो, अपन कुछ आरंभ नहीं करना। कोई चीज चाहिए तो हाथ पे आ रही है, तो एक तो आरंभ नहीं करना पड़ रहा है, कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, तो निवृत्ति ऑटोमेटिक मिल गई है।
अभी 2 घंटे केवल मंदिर जाती थी, कदाचित यदि कमी पड़ी तो उसमें कमी पड़ी, लेकिन बाकी अब तो 24 ही घंटे काम ही एक है। हे भगवान, हे पंच परमेष्ठी, जय भंत वर्तो। सच बात है प्रभु, सम्यक दर्शन ज्ञान चार के बिना सुख नहीं होगा। सच्ची बात है प्रभु, आत्मा का निर्णय करे बिना चैन नहीं मिलेगी। सच्ची बात है प्रभु, आत्मा की विराधना करने से पाप बंधे थे, पाप के उदय में ये रोग आदि हुए हैं। अरे धिक्कार है ऐसे भोगों को है। एक बार एक सज्जन बोले, पंडित जी बहुत परेशान है शरीर से, इतने रोग, अब तो ऐसा लगा था हे भगवान। मैंने कहा सुनो, तुम रोग के काल में ये बात कह रहे हो, रोग के काल में ये बात कह रहे हो कि बहुत बुरे हैं, बहुत मन नहीं लगता। अरे रे, हमें तो इस बात का धिक्कार आता है, ध्यान से सुनना हम बाकी क्या कह रहे हैं। हमें इस बात का धिक्कार नहीं है कि तेरे देह में रोग क्यों होते हैं, हमें धिक्कार इस बात का आता है कि रोग होने पर भी तुझे वो प्रीति के योग लगता है। क्या कह रहे हैं, नहीं आई समझ में? दुख की बात यह नहीं है कि शरीर में रोग क्यों होते हैं, इसमें क्या आश्चर्य है। शरीर में रोग हो तो शरीर में से मल मूत्र निकले, इन नव द्वार में से गंदगी निकले, इसमें क्या आश्चर्य है। हमें आश्चर्य तो ऐसा है कि तुझे ऐसा नव द्वार भय घिनकारी, मल मूत्र मांस का घड़ा रात दिन सड़ा, तुझे नित पड़ा उठाकर धरना, और फिर भी तुझे ये प्रिय लगता है, हमें तो इस बात का आश्चर्य है। लोग कहते हैं साहब बच्चों से हैरान है। अरे हम कहते हैं बच्चों से हैरान हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ये तो बिल्कुल पुण्य का उदय है। नहीं समझे? मैंने बच्चों से हैरान हो ये तो पुण्य का उदय है कि तुम्हारा चित्त बच्चों में नहीं लगता है, लेकिन अब उल्टी है तुम्हारी बात तो उल्टी है। अरे रे, फिर भी तुम बच्चों में अंधे हुए चले जा रहे हो, अपने हित को छोड़े चले जा रहे हो, फिर भी बच्चे के खातिर अपना जीवन कुर्बान करते चले जा रहे हो, ये महामोह है। क्या कहा मैंने, जब बच्चे आपके आज्ञाकारी नहीं है, खाने माने तुम्हारे पाल खाने पीने की भी ताकत नहीं, डॉक्टर ने कह दिया कि भैया मूंग की दाल और रोटी, और बिल्कुल तखत पे लेट ना, तखत पे डल्लब पे नहीं, और एयर कंडीशन नहीं, और फ्रिज की कुछ नहीं, और शक्कर बंद, और तेल बंद, और घी बंद। और हमें आश्चर्य है कि तुम रूखी दाल रोटी खा रहे हो, तुम्हारा करोड़ों रुपया धन समाज का जब आज राज तो काज ना आवे, वो भी देखो व्यर्थ पड़ा, देखो व्यर्थ, वो करोड़ों रुपया व्यर्थ। अब वो तेरे उत्तराधिक स्त्री आदि भी तेरी अवज्ञा करते हैं, तेरे की सावधानी नहीं रखते हैं, ऐसा होने पर भी तुम अपना हित छोड़कर अभी भी उसी में अपना समय गवाते हो, ये महामोह का अंधकार है। आचार्य लिखते, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब आचार्यों के बात हैं। अरे रे, हमें हंसी आती है बात देखकर, हमें इसमें कोई आश्चर्य नहीं, संसार में कहीं सुख नहीं है, वो तो हम पहले लिखा है, सब विधि संसार असारा, हम तो पहले ही आए थे। तुम तो आज कह रहे पंडित जी अब समझ में आई, तुम बढ़िया रहे, अब हम क्या बताएं पंडित जी, तो हम फंस गए, उसमें कोई आश्चर्य थोड़ी है, वो तो हम पहले ही आए, सब विधि संसार है। कोई व्यापार करके, कोई पैसा कमा करके, कोई स्त्री आदि को, कोई पुत्र आदि के चक्कर में, कोई ने खूब कंपनी फैक्ट्री खोल ली, आखिरकार आखिर में क्या कहते हो, पंडित जी क्या बताएं, सम्यक दर्शन बहुत दूर की चीज है, स्वाध्याय की फुर्सत नहीं है, स्वाध्याय बहुत दूर की बात है, मंदिर दर्शन की फुर्सत नहीं है। अच्छा, हमें कोई आश्चर्य नहीं है, बिल्कुल आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य तो इस बात का है कि फिर भी तुम वहां से निकलने की भावना कहां आते हो, फिर भी दिन रात तेरे प्रयत्न सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में। समझ आया, दे अरे क्या कहे, जो संसार विषय सुख हो तो इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम दुखी हो, तुम्हें कभी सुखी हुए नहीं, होगे भी नहीं। इतनी चर्चा करके केवल इतना कहना है, भाई यदि सचमुच तुम्हें लगता है कि हम दुखी हैं, सचमुच लगता है हमें दुख से बचना चाहिए, तो जिस प्रकार से अपने हित का निर्णय करना चाहिए, और जिस प्रकार से हमारा हित हो उस प्रकार प्रवृत्ति करना चाहिए। इतना कहकर के ये भाव की चर्चा जितनी थी, भाव निर्मल करने की, उसके लिए स्वाध्याय करें, तत्व का निर्णय करें, वीतरागी संतों के, ज्ञानियों के, जिनवाणियों के, भगवंतों के चरणारविंद की सेवा करें, अध्ययन करें, अभ्यास करें, वेद विज्ञान करें, वही एकमात्र उपाय है। अब आज से चर्चा अपन बदल रहे हैं, आज से चर्चा करेंगे समाधि मरण की पात्रता की, समाधि मरण के लायक कौन है, पात्रता कैसी होनी चाहिए, इसकी चर्चा हम 2 एंगलों से कर रहे हैं। हालांकि अभी तक की चर्चा में आपने ये बात देखी होगी
हमने किसी को हताश, निराश, दीन या पावर बतलाने की चेष्टा नहीं की है। अभी भी हम पात्रता की चर्चा करेंगे तो आप में से दो प्रकार के जीव हो सकते हैं। एक ऐसी चर्चा सुनकर घबरा जाएं, ये भैया हम तो लायक ही नहीं है, ये तो ऊंचो समाधि मरण हम तो कर ही नहीं सके, तो हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे ये बात। पात्रता इसलिए बताई जा रही है कि यदि आप पात्र हैं तो आप प्रसन्न होएं और सावधान रहें, कहीं आपकी पात्रता नष्ट ना हो, सावधान रहें। दूसरा, अपात्र हो तो पात्र होने का प्रयत्न करें। इस भरोसे नहीं बैठे रहे कि वो मरते समय नवकर्मण सुन लेंगे हम, इस भरोसे नहीं रहेंगे अंतिम समय समाधि मरण का पाठ सुन लेंगे, ये कोई उपाय नहीं है। अंतिम समय में कान ही नहीं रहे तो क्या करोगे, अंतिम समय में आंखें नहीं रही तो क्या करोगे, है किस हम तीर्थ क्षेत्र में चले जाएंगे और लगभग लग गया तो नहीं, कल का भरोसा मत करो, है आग लग जाए तब कुआं खोदने वाले समझदार नहीं होते, पहले कुआं खोद लो, पहले इतना सुन लो, इतना पढ़ लो, इतना देख लो जिनेन्द्र देव को, और इतना कर लो कि अब तुम्हें उसकी कमी महसूस ना हो। देखो मेरी चर्चा का जो मोड़ है उसे आप समझें थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अंतिम समय में आप नवकार मन सुनने की चेष्टा करें, मैं कह रहा हूं कि नवकार मन सुनने की भी यदि ना योग बन पाए तो तुम अपने को पामर अनुभव नहीं करना। यदि मरते समय साल छह महीने, बुरा नहीं मानना, मैं पहले ही कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अंतिम समय में आप जिनेन्द्र देव के दर्शन करते रहे हैं तो आपका समाधि मरण होगा, मैं कह रहा हूं कि अंतिम पांच वर्षों में, दस वर्षों में कदाचित तुम्हें जिनेन्द्र देव का दर्शन ना हो तो अभी तुम तड़पना नहीं, बिलखना नहीं, खेत खिना नहीं होना, व्याकुल नहीं होना, इतनी तैयारी का नाम पात्रता। ये नहीं कह रहे कि दर्शन नहीं करना, पंडित जी ने तो कही थी आगे ये 10 साल में दर्शन नहीं करिए, ये नहीं कह रहे, यदि दर्शन ना मिल पाए तो इतनी तैयारी कर लो कि अपने को पामर अनुभव नहीं करना। सच्ची बात बताएं, बुरी तो नहीं मानोगे, जिनेन्द्र देव के दर्शन करना ये कोई सौभाग्य नहीं है। क्या कह रहे हैं पंडित जी, हो संभाल के बात करो, सुना यदि जिनेन्द्र देव का दर्शन करना सौभाग्य हो तो महामुनीश्वरों को दुर्भाग्य कहना पड़ेगा, क्योंकि दिगंबर मुनिराजों को दिगंबर दीक्षा लेने के बाद जीवन में कभी भगवंतों का दर्शन ना हो तो भी विहार लेते हैं, तो भी चर्या करते हैं, और तो भी केवल ज्ञान लेके मोक्ष में चले जाते हैं, तो उत्कृष्ट बात हुई ना, उत्कृष्ट बात है, सौभाग्य की बात है वो तो। ये बात अलग है कि हम ग्रस्त हैं, हम आलम भी हैं, आलम चाहते हैं, क्योंकि हम विषय भी असंयम में प्रवर्तते हैं, इसलिए हमें आलमन चाहिए। इसलिए आज हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम पंच परमेश्वरियों का आलमन बनाए रखो, हम ये कह रहे हैं इतनी उत्कृष्ट साधना करो कि आलमन की जरूरत ना पड़े। एक अब तो समझ में आ गया कुछ, हम ये नहीं कह रहे कि तुम विषय भोगों में लगे रहो, पंडित जी आपने जो कही थी आखिरी 5-10 साल मंदिर नहीं करो तो कच्छ ना होइए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम विषय भोगों में लगे रहो, पाप आचरण में लगे रहो, हम कह रहे हैं इतनी तैयारी कर लो कि आखिरी हमें दीनता का अनुभव नहीं हो गया। मैं बहुत खुली चर्चा कर रहा हूं, बहुत देख करके दुख होता है जब आखिरी में केवल रोना हाथ लगता है, और ये बात तय है यदि आप या तो लंबे जियोगे नहीं, और लंबे जियोगे तो पक्की बात है कि कुछ साल के लिए मंदिर नहीं मिले, क्योंकि हड्डियां अशक्त हो जाएं, रक्त क्या धड़कने अशक्त हो जाएं, आखिरी के 10-5 साल कोई राज रोग लग जाए, बिस्तर पे ही पड़ा रहे, उठ ना सके, लेटरिन बाथरूम वहीं करनी पड़े, भोजन पानी वहीं देना पड़े, बहुत अशक्त दशा हो जाए। अपन तो देखो एक बात है, जो अपन चर्चा कर रहे हैं तो टॉप लेवल की सोचो, इतनी असाधा आ सकती है। अब मंदिर नहीं मिलेगा तो हम आपसे पूछते हैं आपको कैसा लगेगा, कैसा लगेगा सोचो, आपको ये हाल याद आएगा, आपको ये पंडित जी याद आएंगे, आपको ऐसा लगेगा ये भैया हम भी पहले जाऊते सुनते पहले, अब तो हमारे धर्म पे पानी फिर गा, सब धर्म पानी में चलोगा, तो ऐसा कैसा धर्म है जो पानी में चला गया, ऐसा ही होता है क्या धर्म? अच्छी तरह से समझो, धर्म स्वावलंबन का नाम है, धर्म स्वावलंबन का नाम है, दुखी होने से कोई धर्म नहीं हो जाएगा। एक गंदी आदत बता रहा हूं आपको, एक गंदी आदत, एक तो समझ लो महिला हो या पुरुष हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपन तो दृष्टांत दे रहे हैं कि कोई दिन मंदिर में पूजा नहीं कर पाए या कुछ बात हो जाए या मंदिर नहीं जा पाए या कोई घटना घट जाए समझ लो, तो सच्ची बात बताएं तो मंदिर में जाकर के जो प्रयोजन पूरा करना था वो प्रयोजन तो घर में पूरा नहीं करते, प्रयोजन पूरा कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन करती नहीं है,
लेकिन कोई आ जाए तो आज हमें बहुत ऐसा लग रहा, ऐसे ही ऐसा लग रहा। अच्छा तो ऐसा क्या करके आपने कौन सा तीर चला लिया, नहीं तीर कौन सा चला लीजिए तो बताओ, आपने कौन सी उपलब्धि ले ली। इनको क्या लगता है पंडित जी जा लिखिए खेत करने चाहिए, प्राश्चित करने चाहिए, सो हम दिन भर खेत करत। अरे मान चलो आज तुम किसी कारणों से नहीं जा पाए, एक तो बुद्धिपूर्वक अभिप्राय पूर्वक नहीं रुके हैं, अभिप्राय पूर्वक तो जाना ही है हमें, लेकिन जितनी देर में तुम क्लेश करते हो, खेत के नाम पर उदास चेहरा बनाते हो और दूसरों को कह करके हमें तो दिन भर खेत हो, दिन भर खेत। कैसे कहते हैं खेत मालूम है, कैसे कहते हैं खेत है? कि उससे अनंत गुनी सावधानी लेकर के देश शास्त्र को आलम्बन घर में लेना तो खेत सच्चा है। बच्चे से 5 रुपए का नुकसान हो गया तो उसे खेद हुआ, अब मैं पिताजी को 25 रुपए कमा के दिखाऊंगा, नहीं तो मुझे अखरेगी अंदर में। तो अपन उतनी देर में जितनी देर में क्लेश कर रहे हैं उतनी देर में स्वाध्याय करते, विचार करते, मौन ले लेते, थोड़ा रस परित्याग कर लेते, बी कथा छोड़ देते, उस दिन और ज्यादा सावधान होते तो तुम्हारा खेत सच्चा था है? मैं कभी कभी सोचता हूं यदि तुम इतना अच्छा काम करो तो मंदिर आकर के तो हम जनरली बिल्कुल रूटीन ऑफ लाइफ चावल चढ़ाए, हाथ जोड़े और चलो भैया, और दिन भर के लिए ऐसे निश्चिंत हो जाते हैं 23 घंटे 50 मिनट के लिए, जैसे जैसे सब काम कर आए बस। कितनी याद आती है आपको, लेकिन जिस दिन पूजा नहीं हो पाई, दर्शन नहीं हो पाए, अथवा मान के चलो आप स्वास्थ्य स्वाध्याय नहीं कर पाए, उस दिन आपको खटक है तो मैं तो सोचता हूं और अच्छी है ये चीज। आपको लग तो रहा है कि आज हमसे कुछ छूटा है, आज हमसे कुछ कमी हुई है, और उस कमी को दूर करने के लिए, उस खटक को दूर करने के लिए स्वाध्याय करो, भेद विज्ञान करो, मौन लो, विकथा छोड़ो, असंयम छोड़ो है, डेली एजेंडा त्याग कर दो, और जो तुम्हारी विकथा हो सकती है छोड़ो। तो मैं सोचता हूं तुम जितनी देर कह करके थोड़ा ऐसे चौड़ी छाती करते हो उससे ज्यादा अच्छा होगा मैं समझता हूं। देखो आज की चर्चा उल्टी बात नहीं निकालना इसमें से, कि पंडित जी कह रहे हैं कि मंदिर नहीं जा पाओ वाले टीवी छोड़ दो फिर कछु नहीं होते, ये नहीं कह रहे हैं हम। बिल्कुल असक्य में ऐसी कंडीशन बन जाए, नहीं आ पाए हो तब की ये चर्चा है, आप बीमार हो जाओ, कोई बात हो जाए, नहीं आ पाओ तो ये बात है, और नहीं तो आप जो कहो देखो पंडित जी ऐसी ऐसी छूट दे रहे कि मंदिर नहीं आओ चाहे एक दिन में टीवी छोड़ दो, जो बढ़िया रहे, अपन आज से मंदिर नहीं आए तो टीवी छोड़ देंगे, अथवा तो खाना पीना छोड़ देंगे, ये हम नहीं कह रहे भाई। पहले तो सावधानी पूर्वक पंच परमेष्टियों के प्रति, सट आवश्यक के प्रति सावधान होना, कदाचित यदि हो जाए तो क्लेश करना जिन शासन में मार्ग नहीं है, ये कहना है। संक्लेश करना तो धर्म के नाम पर भी पाप ही है, क्या कह रहे हैं, संक्लेश करना तो धर्म के नाम पर भी पाप ही है। कोई पहली ढाल का विवरण पढ़ करके और मंदिर में बैठ के अरे अरे रे अरे कितने कष्ट हैंगे अरे भैया, तो जी कोई धर्म नहीं हो रहा है तुम्हारा इसमें कोई, ये जो क्लेश करने से, जो राग द्वेष करने से, ये कोई धर्म नहीं होगा, इससे धर्म तो नहीं होगा लेकिन पुण्य भी नहीं होगा। सुना आप ही बताओ, कोई व्यक्ति अग्नि पे हाथ रखता है ना, और जलता है और पीड़ित होता है और फिर हाथ रखता है और फिर पीड़ित होता है, और दूसरे देख करके ये बेचारे हाथ जल रहा है इनको, ये बेचारे इनके हाथ जल रहा है, जरा इतना लगे गैस हम भी धल लें, तो जी कौन सा विवेक हुआ, ठीक है वो उसका हाथ जल रहा है, नार की दुखी हो रहे हैं ये बात बराबर है, और आपको भी लग रहा है कि नार की दुखी है, बहुत तकलीफ है, कर्म का उदय है, पाप का उदय है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ यदि तुम ये बात समझ में आ गई कि नार की दुखी है तो नरक जाने के कारणों को टालो तो हम कहें कि अच्छी बात है, तुम्हारी सावधानी है, लेकिन तुम्हें नरक जाने लायक जो परिणाम है भेजने वाले नरक के जो कारण है, ऐसे विषय कसाय के परिणाम छूटते हैं तो फिर मंदिर में थोड़ी देर बैठ के चिच्ची करवे से कहा मुझे, मैंने थोड़ी देर के लिए ये थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे लगता है जैसे सब समझ में आ गई ना सब, और घर जाके मेरा मतलब समझ में ना, मैंने धर्म के नाम पर भी क्लेश करने से तो संसार ही होगा, अति संक्लेश भावते मर्यो घोर सब्र सागर में पर्यो। क्या है ये सब्र सागर, वो नरक, नरक ही जाएगा। मैं इसलिए बात खोलकर कह रहा हूं कि लोगों को क्या लगता है, कोई क्या अपन समाधि देखने गए मर रहे हैं, अब समाधि तो क्या कहो मर रहे हैं कोई, और आखिरी उन्हें बहुत खूब रोए और खूब कह रहे थे हमने तो जिंदगी बेकार चली गई, खूब बहुत ही पाप करे, खूब कमाओ झूठो सच्चो, और खूब क्यों इसका नाम है
इसके लिए तो आप यदि कहावत की भाषा में कहो तो घड़ियाली आंसू हैं जी। अब तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि कहां जा रहा है नरक में, सो रो रहे हो। सच्चा प्राश्चित कब कहते हैं आचार्य, कहते हैं आचार्य सच्चा प्राश्चित कब कहते हैं कि दोषों को दोष जानना कदाचित सरल है, लेकिन निर्दोष को निर्दोष जानना ये प्राश्चित है। क्या कह रहे हैं बोलो। कोई बालक बालक स्कूल में पढ़ते हैं, मास्टर जी का गणित का सवाल करो, सब बच्चे ने गलत सवाल करा सो गलत हो गया वो, क्यों सही है जी मास्टर साहब गलत है तो जाओ सही करो। अब उसे सही का नहीं मालूम सही कैसे करें, जे तो उसने डर के मारे कह दिया कि गलत है, क्योंकि मास्टर जी ने पूछा क्यों जी सही है मास्टर साहब गलत है, दो बेंत पड़ी जाओ सही करो। अब देखो अब उसकी स्थिति यह है उसे सही का ज्ञान नहीं है, लेकिन डर के मारे उसे कह दिया गलत है। अब बताओ इस बच्चे का सवाल सही कब होगा, उसका यह कहना कि यह सवाल गलत है कितना सार्थक है, पकड़ना ये पॉइंट थोड़ा सा। ऐसे ही तो तुम जिनवाणी के सामने आकर धीरे से कह दे सही बात है हम पाप ही कर रहे हैं भैया, सच्ची बात है जिंदगी बेकार जा रही कहते तो अच्छा तो फिर सच्चा स्वरूप बता दो क्या है, बताओ प्राश्चित किसे कहते हैं बोलो, तुम किसे प्राश्चित कहते हो, रोने का नाम बोल देने का नाम, हम तो साहब सच्ची बात बताएं दिन भर पाप करो तो शाम के भगवान से क्या, हाँ हाँ मैं दुठ अपराधी बहुत पाप करी मैंने, और फिर रात भर करा सब सुबह कह दी तो फिर क्या हो जाता है, ऐसा कहने से हो जाते हैं भाव निर्मल हो जाते हैं प्राश्चित हो जाता है। फिर समझो प्राश्चित किसको कहते हैं, दोस्त तो तुमने जाने जाने नहीं वास्तव में, क्योंकि दोषों का ज्ञान तब होता है जब निर्दोषता का ज्ञान हो, गलत उत्तर का ज्ञान तभी होता है जब सही उत्तर का ज्ञान हो, अभी सही उत्तर का ज्ञान नहीं है तो गलत उत्तर का भी ज्ञान नहीं है। ऐसे ही तुमने दोषों को तो कहते हो जाना, लेकिन जब तक निर्दोष स्वभाव को नहीं जाना तब तक प्राश्चित शुरू नहीं होता, शुरू नहीं होता। क्या कह रहे हैं पंडित जी, हमसे गलती हो जाए और हम 1 करोड़ रुपया को विधान करवा दें तो हमारा प्राश्चित हो जाए, बिल्कुल नहीं, रिश्वत मत दिखाओ इधर, 1 करोड़ की क्या तुम धमकी रिश्वत दिखाते हो, यहां पर 1 करोड़ का विधान करा देंगे तो माफी हो जाएगी है? क्या कहें प्रभु, जो लोग स्वाध्याय नहीं करते और प्राश्चित का स्वरूप नहीं जानते वे ऐसी प्राश्चित करके जीवन है? 10 करोड़ के नंबर दो भी पकड़ी गई, ये भगवान यदि ये 10 करोड़ रुपए का छापा हमारा बच गए तो 1 करोड़ का विधान कराएंगे तो जी क्या है, नहीं क्या है ये, तुम क्या समझते इसे? हो जाएगा प्राश्चित, दृष्टांत है ऐसे यहां पर लगाना भाई। सच्चा स्वरूप जानना ही एकमात्र भाव निर्मल करने का उपाय। अब पात्रता की चर्चा अपने को करना है कि वो पात्र कैसा होगा जिसके जीवन में समाधि आएगी, तो जिनके जीवन में वो पात्रता नहीं हो वे तैयारी करें, इसलिए ये पात्रता बताई जा रही है कि अपने जीवन में तैयारी करो। देखो भाई भगवती आराधना की गाथा नंबर बड़ी अच्छी है 1200 नंबर की, उसमें इस पात्रता की चर्चा की गई है, उसके अनुसार हम आपको धीरे धीरे बताएंगे, एक बार तो लेकिन थोड़ा पढ़ के भी सुनाते हैं समझ लीजिए। सबसे पहली पात्रता है जो आत्मस्वरूप का ज्ञाता हो, पहली 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 बात है आत्मस्वरूप का ज्ञाता हो, क्यों उसका कारण है, जो आत्मस्वरूप का ज्ञाता नहीं होगा कि मैं तो अजर अमर हूं, मैं तो मरता ही नहीं हूं, मेरे तो अनंत गुणों का कुछ होता ही नहीं है, मेरे में तो भगवान बनने की ताकत पड़ी हुई है, मैं तो ध्रुव सुरक्षित तत्व हूं, ये बात जाने बिना समाधि करेगा किसके बल पर, वो तो यही कहेगा कि प्राण निकले प्राण निकले प्राण निकले, वो तो यही कहेगा डॉक्टर लाओ दवाई लाओ इंजेक्शन लाओ, वो तो यही कहेगा और क्या कहेगा, माने जब तक सच्चा स्वरूप नहीं जानेगा तो समाधि होगी किसके बल पर। इसलिए आत्मस्वरूप का ज्ञाता हो, आत्मा का ज्ञाता, स्वपर का ज्ञाता अभी अभी बताइए चर्चा, स्वपर का ज्ञाता सुना, ये शरीर पर है आत्मा स्वयं है, रोग शरीर को हुए हैं अर्थात पर को हुए हैं, तो पराए परिणाम में मुझे क्या तकलीफ है, है? मुझे क्या तकलीफ है, पराई दुकान में आग लगे मुझे क्या तकलीफ है, पड़ोसी का मकान जला मेरे क्या तकलीफ है। अब लोग सोच रहे होंगे अरे पंडित जी केवल सरल है, है? बात तो तुम्हारी सही है, कहना सरल है और सुनो अनुभव करना इससे भी कई गुना सरल है, क्या कह रहे हैं, कहना तो सरल है ही, उसमें कौन सी आश्चर्य, कह ही रहे हैं। देखो देखो हमें सचमुच ये बात विश्वसनीय है, ये बात कि तुम्हें ये बात सुनने में जितनी सरल लग रही होगी आपको खुद लग रहा होगा कि प्रैक्टिकल में कठिन है,
इसलिए कोई हम एक वाक्य बोलकर नहीं छोड़ेंगे आपको, आपको एहसास कराने की चेष्टा करेंगे धीरे धीरे। देखो भाई, जिस चीज में अपनात्व होगा वह चीज छूटेगी तो तुम्हारे तो प्राण निकलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अपना तो तुम मजबूरी में छोड़ो चाहे स्वरूप जान के छोड़ो, छोड़ना तो पड़ेगा ही। करोड़पति भी यदि मरेगा तो बिलक बिलक के मरेगा तो भी करोड़ पे छूटेंगे ही, वे तो स्त्री पुत्र आदि तो छूटेंगे ही, शरीर में रोग है और शरीर तो छूटेगा ही। अब तुम ये बताओ कि तुम शरीर का स्वरूप सुनने तैयार हो, आत्मा का स्वरूप सुनने तैयार हो, तुम कैसे अजर अमर खजाने हो, अनंत गुणों के खजाने हो, तुम्हें भगवान बनने की शक्ति पूरी सुरक्षित चली जाएगी तुम्हारे साथ, जो तुम्हारा नहीं है वो रह जाएगा, जो तुम्हारा है वो तुम्हारे साथ चला जाएगा, ये बात सुनने तैयार हो तो सुनते से विचार करने से तुमको समता आएगी, शांति आएगी, परिणाम ये निकलेगा तुम्हारे जीवन में संयम आएगा, और संयम आएगा तो तुम्हें ऑटोमेटिक समाधि मरण होगा, ऑटोमेटिक होगा। क्या? जब तक सबसे पहले स्वपर का ही ज्ञाता नहीं होगा, स्वपर का ज्ञाता नहीं हो ऐसे व्यक्ति को टोडर मजी ने दृष्टांत दिया है। एक पागल था एक पागल किसी धर्मशाला में रहता था, धर्मशाला यात्री आते थे मोटर गाड़ी पे, अपने सामान आते थे तो वहां रुकते थे, कपड़े सुखाते थे, भोजन बनाते थे, खाते थे। अब वो बेचारा वहां था तो उसको भी दे देते थे भोजन, कोई दया करके उसको कपड़े भी दे देता था। तो एक डंडा उठा लिया उसने, एक डंडा। अब बच्चे आए और कार में चढ़े, कार को छुए, ए हमारी कार मच्छी हो, हमारी कार मच्छी हो, हमारे कपड़े मच्छी हो, यही काम उसका और कुछ काम ही नहीं, ना वो कपड़े छूने दे ना वो कार छूने दे, ऐसे पागलों की भांति। बाद में अब बाद में तीर्थ यात्री जो धर्मात यात्री थे वे तो अपना सामान समेट के चले जाते, अभी भी लगता है मेरा संसार उजड़ गया, अरे हमारे सबरे कपड़े चला गए, सब वो कार चली गई, और इतने मोड़ा मोड़ी खेल रहे थे सब हमरे चले गए, अब हम अकेले रह गए। फिर भी लगता है, फिर थोड़ी देर बाद कहीं दूसरे रह जाते हैं, फिर उनके कपड़े सूखते हैं, फिर उनकी गाड़ी घोड़ा आते हैं, फिर खुश हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, अरे अपने ही बच्चा खेल रहे, अपने ही कपड़ा सूख रहे, अपने ही सब ऐसे ऐसे करता है। अब हमें ये बताओ कि इसको दुखी होने से कौन बचा सकता है? ये दूसरे यात्री भी जाएंगे ही है, वे तो जाएंगे, तो धर्मशाला तो क्या करें है। अब उपाय क्या है? शांति रखने का उपाय क्या है? होता बस ये कई उपाय है, ये जो तुम्हें भोजन और वस्त्र मिल गए हैं, ये मिल गए बस इतने समझ लो, बाकी तो ये सब खाली होने वाली है। ऐसे ही हम जहां ठहरे हैं वह भी एक बाढ़ है, धर्मशाला है, लोग आते हैं जाते हैं, कितनी पीढ़ियां इसमें गुजर गई और गुजरेंगी। कल तक किसी और के कपड़े सूखते थे यहां, नहीं कल तक अपने सूखते थे, अब अपन चले आए तो किसी और के सूखेंगे। कल तक जिस गाड़ी को हम कह रहे थे हमारी मारुति है, कल दूसरे की कहेंगे वे, परसों तीसरे की कहेंगे। धर्मशाला बनी रहेगी, मारुति भी बनी रहेगी, समझ लो आना जाना लगा रहेगा। लेकिन पागल ये देख देख कर खुश होता है, यह सब मेरा है, फिर बाद में कहता है हाय हाय, दुखी होता है। अब ये बताओ कि ये दुखी होने से बचने का क्या उपाय हो सकता है? या तो सच्चा स्वरूप जान लो या फिर दुखी होते रहो, और क्या हो सकता है बताओ? इसलिए कहा है स्वपर का ज्ञाता हो, निर्मोही हो, निर्मोही मोह रहित हो, मोह रहित। अब मोह की चर्चा ज्यादा तो करेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन फिर वो इतनी बात है कि वो आत्मा का ज्ञाता होगा तो उसका मोह दूर हो जाएगा। स्वपर का ज्ञाता होगा तो वो अनावश्यक नहीं रोएगा, वो जानता है ये पराई दुकान है, ये पराया घर चल रहा है, मेरा नहीं, रोएगा नहीं व्यर्थ में। पराए बच्चे का एक्सीडेंट हुआ होगा, मेरा कुछ नहीं है, इसलिए वो निर्मोह रहेगा। ऐसे ही जब आत्मा का ज्ञाता हो गया, जब उसे ये मालूम पड़ गया कि मैं पर का करता अभोक्ता हूं, किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है। हे नदी नाव संयोग कुटुंब के लो, कर्म के योग से हो रहे भेले, भेले समझते हैं? दिन दो एक के मेहमान हैं, फिर अकेले हैं, फिर अकेले ही हैं। अब उपाय क्या है? तो एक काम करो ना, अपन पहले से मोह बढ़ाओ ही क्यों। अब ये पहली तैयारी मिल गई आपको, पहली तैयारी, यदि आपको समाधि मरण चाहिए तो मोह रुलाएगा है?
रोबे और रुलाबे मोही संत शांत ना देते हैं। अब एक काम करो तो शांत, अपने को मोह बढ़ाना नहीं है। अब दोनों प्रकार से लेना, आत्मा का स्वरूप जानना, स्वाध्याय करना, तत्व अभ्यास करना, इससे आपको संसार का स्वरूप मालूम पड़ेगा, कर्म का स्वरूप मालूम पड़ेगा, उदय का स्वरूप मालूम पड़ेगा। और ऐसा स्वरूप जानने पर हम आपको गारंटी देते हैं कि आपकी मोह का अभाव होगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। सुनाओ, इसके सिवा जो उपाय है वो द्वेष के उपाय हैं, द्वेष के। जैसे पंडित जी सच्ची लिखी है, सब स्वार्थ के हैं, कोई नहीं पूछा, सब स्वार्थ के हैं, हमने भी सोच ली। अब तुझे क्या है, जे तो द्वेष हुआ, जे कोई तरीका नहीं है, द्वेष नहीं करना। अरे जी सब स्त्री पुत्र आदि अपने अपने स्वार्थ के हैं सब, ये तो द्वेष का उपाय। सुनो भाई, वहां तो तुम्हारा बासल होना चाहिए परिवार के प्रति, उसमें कोई अपराध नहीं है। यथा योग भूमिका में यथा योग बासल हो, उनके प्रति करुणा भाव हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम अंदर अंदर ये जानो कि हमारा हित और हमारा अहित हमारे हाथ में है। एक बहुत अच्छी बात कहता हूं आपको, कई लोग ऐसा कहते हैं, पंडित जी आप बहुत अच्छे हो, हम तो फंस गए, ब्याह होगा बच्चा और अब हम दुकानदारी, अब बहुत फंस गए। आप में से यदि कोई ऐसी शिकायत करे तो ध्यान रखना, करना मत ऐसी शिकायत। उसका कारण है, शास्त्रों में स्त्री का नाम कहीं दर्शन मोह नहीं लिखा है, बच्चों का नाम दर्शन मोह नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है कि सम्यक दर्शन करने में स्त्री बाधक है, कि पुत्र बाधक है, कि पति बाधक है, कि पैसा बाधक है, कि मकान बाधक है, कि कपड़ा बाधक है। जितनी सारी बाधाएं तुम कह रहे हो वे सब धर्म करने में बाधक नहीं है, सम्यक दर्शन करने में बाधक नहीं है, वे बाधक हैं। यदि कहें भी तो मुनि बनने में बाधक है। तो तुम्हें मुनि बनना है क्या? तो तुम्हें मुनि बनना तो निकल जा, भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मुनि तुम्हें बनना नहीं है और सम्यक दर्शन तुम करना नहीं चाहते। तो जब देखो, जब दोषारोपण करते, दोषारोपण पंडित जी जे हैंगे जी, हमें सम्यक दर्शन नहीं करेंगे, तो जी सम्यक दर्शन करने में कहां बाधक है बताओ? समझ लेना चीज ऐसे, माने आप फिर से सुनो, ऐसा नहीं समझना कि सम्यक दर्शन कोई ब्रह्मचारी त्यागियों को ही होता होगा, सम्यक दर्शन ग्रस्तों को होता है। आप घर में रहते हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, तकलीफ भी है, सब जानते हैं, आपकी पीड़ाएं भी हैं, बहुत फंसे हुए हैं आप, सब कुछ मालूम है। लेकिन फिर भी एक उपाय है वहां पर कि तुम अपने को उनसे मुक्त देखो, फंसा हुआ मत देखो। सम्यक दर्शन करने में वे कोई दर्शन मोहिनी कर्म नहीं है, वे आपकी आत्मा का श्रद्धान करने में बाधक नहीं है। कपड़े ये नहीं कहते कि तुम आत्मा नहीं हो, कपड़े ये कहते तुम आत्मा नहीं हो, ऐसा तो नहीं कहते वो। तो सुन लेना अच्छी तरह से, आपको समय नहीं मिलता ये बात हम जानते हैं, आपको आकुलता बहुत है जानते हैं, विकल्प संकल्प बहुत है ये भी जानते हैं। लेकिन यदि तुम इन्हें दोषारोपण करोगे तो तुमसे बड़ा अपराधी कोई नहीं होगा। हाँ निर्दोष है वे, तो उनने तो कुछ किया नहीं है, क्योंकि घर गृहस्थी तुम्हें मुनि बनने में यदि बाधक कहें तो भी समझ में आवे, लेकिन वे रोकते कहां है, तुम जाओ ना मुनि दीक्षा लो। अब मुनि दीक्षा तुम्हें लेना नहीं है तो सम्यक दर्शन तो आप कर सकते हो ना गृहस्थी में। तो एक काम करो, आज के बाद संयोगों को बाधक मत देखो, तुम स्वतंत्र हो तुम्हारे परिणमन के लिए, अपनी सोच के लिए, अपने विश्वास के लिए, अपने श्रद्धान के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने आचरण के लिए, अपनी अनुभूतियों के लिए। तो कम से कम तुम अंदर अंदर भेद विज्ञान की धारा तो चला सकते हो, उसके लिए स्वाध्याय कर, तत्व अभ्यास कर। ख्याल में आ रहा है कुछ? तो ये निर्मोही होने का एकमात्र उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब एक उपाय तो बता ही दिया, अब दूसरा उपाय बता देते हैं। कई लोग निर्मोही होने के नाम पर पहले तो जीवन भर कमाते हैं, फिर एंड टाइम पे जब बस की नहीं रेत तब दुकान नहीं जाते, माताएं समझ ले चौके में नहीं जाती हैं और काम में नहीं जाती हैं। पंडित जी अब हमें बिल्कुल मोह नहीं रहा, हम तो अपनी रोटी खाई चुपचाप और अपने बस बैठ गए, हमें हम ना दुकान जा और ना आपका हमें कोई मतलब नहीं है, ना हम कमावे में पड़क ना कछ। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सो से चूहा खा गए, बस की नहीं रही, जा पाते नहीं है, दुकान में लड़का सुनते नहीं है, विकेश चुप रहो बोलो नहीं, तुम उधार बेचते हो और तुम चिल्लाती हो पिताजी से, विकेश तुम रहे हमें मालूम सब। माने दृष्टांत क्या, माने असमर्थ हो जाने के बाद हमें मोह नहीं है ये झूठ बोलते हो तुम। सुनो फिर से, आत्मस्वरूप को जाने बिना मोह छूटता नहीं, इसलिए एग्जाम्पल दिया आपको कि तुम कहते तो हो, मुझे सही में कभी कभी बड़ा एक तरस से कह रहा हूं
आप सर्व को जाने बिना और संयम प्रकट हुए बिना कई महिलाएं पुरुष जब बुजुर्ग हो जाते हैं बड़े ऐसे प्रसन्न हो गए, खेत प्रसन्न, पंडित जी आजकल तो हम एक दो ही घंटा सोच, ये तो नींद आती का नहीं सोते थे, इसमें पुरुषार्थ कौन सा है तुम्हारा भाई? कोई पुरुषार्थ कर रहे होते, स्वाध्याय कर रहे होते, भक्ति कर रहे होते तो हम समझते बहुत बढ़िया बात, और नींद आती नहीं है बड़ी अपनी भाषा को तो ढींग हाँकते हैं। पंडित जी कच्छ में दो रोटी और दाल खात, अब हमें कच्छ गद्दता नहीं रही, लेकिन तुम पचावे लायक बचे कहां दा हमें अधिकांश लोग अपने आप को छलते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं अधिकांश लोग अपने आप को छलते हैं, बड़े ऐसे कहते हैं पंडित जी अब तो 24 घंटा एक विरिया खात, लेकिन तुम एक ही बार का तो पचा लो, तो मजबूरी है, तुम्हें डॉक्टर ने मना कर दिया, आधी आधी ये तुम्हारी ताकत नहीं रही, तो इसको मोह कम होना नहीं कहते हैं। आखिरी आखिरी बुद्धि भी थोड़ी ऐसी हो जाती है, पंडित जी अब हमें कछु मोह नहीं रहा, हमें कोई नाती पोता की याद नहीं आए, सब जिन्हें जो करने से करा, हमें कछु मतलब नहीं। भाई फिर सुन लो तुम अच्छी तरह से, आत्मा को जाने बिना स्वपर के ज्ञान हुए बिना निर्मोही नहीं हुआ जाता है, ऐसे यदि निर्मोही हुए तो ये पेड़ को कौन सी नाती पोता याद आ रहे हैं, पेड़ कौन सी रोटी खा रहे हैं, पेड़ के कौन से व्यापार धंधा है? फिर से सुनो अच्छी तरह से, मोही होने के लिए और निर्मोही होने के लिए, दोनों ही होने के लिए, मोही होने के लिए और निर्मोही होने के लिए संयोगों की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए संयोगों के छूट जाने से निर्मोही नहीं हुआ करती, समझना भाई, ये थोड़ा स्वरूप चल रहा है यहां पर। कई लोगों को ऐसा लगता है पंडित जी अब तो हमने चार कपड़ा रख लिया, चार जोड़ी कपड़ा, बाकी हमने सबको मोही छोड़ दो, फिर तुम झूठ बोल रहे हो। तो हमने कहा ना संयोग छूटने से मोह नहीं छूटा करता, यदि संयोग छूटने से मोह छूट जाए तो ये जो भिखारी हैं इनका मोह कम होना चाहिए, नहीं भिखारियों का मोह कम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ आप कारण बताओ, क्योंकि आत्मा के ज्ञाता नहीं है, स्वपर के ज्ञाता नहीं है, उनके अंदर में अभिप्राय तो यही है कि हमें सब मिले, मिलता नहीं है, अब मिलता नहीं है तो स्वप्न भी नहीं देखता, जैसे आप मारुति में घूमने का सपना देखते हो वो नहीं देखता, क्यों उसे मारो मिलना ही नहीं है तो स्वप्न भी नहीं आते उसे, वैसे तो यदि सपना भी आएगा तो ज्यादा ज्यादा जी आएगा कि हम दिल्ली गए तो दिल्ली भीख मांग गए, जी जी आएगा सपना उसे और क्या होगा, माने उसका भीख का कटोरा संग में ही रहेगा उसका, समझ आएगा ऐसे यहां समझना, मोह तो त्यागने के लिए भी स्वरूप जानना पड़ेगा है? कई लोग ऐसा लगता है हमने खाना पीना कम कर दिया है, ये कोई फिर शॉर्ट में समझ लो ये कोई सच्चा उपाय नहीं है भाई, क्या कहें। और देखो गर्व रहित हो, अहंकारी ना हो, अहंकारी, हालांकि इसकी चर्चा तो आप जितनी चाहे करेंगे तो कम है, आप खुद विचारना खुद पढ़ना, हम तो संक्षेप में इतना कहेंगे कि दो तरह के गौरवान्वित होने वाले हैं, अहंकारी हैं, दो प्रकार के, एक जो पापों का अहंकार करते हैं और दूसरे हैं जो पुण्य का अहंकार करते हैं, धर्मात्मा दोनों का अहंकार नहीं करते, समाधि धर्मात्मा की होती है पुण्यात्मा की नहीं होती, एक पुण्य तो होता है लेकिन वे पुण्यात्मा नहीं होते, फर्क है थोड़ा सा, ज्ञानियों को पुण्य तो होता है लेकिन वे पुण्यात्मा नहीं होते, क्यों? क्योंकि उनको पुण्य का गर्व नहीं होता, समझ में आया कुछ फर्क, समझ आया कुछ? अब पुण्यात्मा को पुण्य तो होता है और उसका गर्व भी करता है, और पापात्मा वे हैं जो करते तो नहीं है पुण्य लेकिन थोड़ा बहुत दिखावा करके भी अपने आप को पुण्यात्मा समझते हैं, पाप का ही अहंकार करते हैं, नहीं आई समझ में आपको? अब समय कम है चूंकि हमारे पास है, तो खोटे दृष्टांत मैंने अशुभ में आप घटा लेना, जल्दी जल्दी बोल देता हूं कहो तो, पंडित जी फिर इतना पैसा कमाओ, इतने में समझ लेना, जब हम आए थे तो कछु नहीं आता और फिर हमने खूब दिन रात मेहनत करी, जे देखो जी पाप का है हम, पंडित जी हम जैसे गुस्से नहीं है को सब थर थर कांपत जी, क्या है जी समझ गया ना जी, पाप का अहम है, अरे हमसे बड़ा कौन होगा, ये देखो मान का सहायक है हम, ठीक है इस संक्षेप में अशुभ में लगा लेना, मैं इतना खा सकता हूं इतना पचा सकता हूं, मेरे दांत देखो अभी तक लोहे के चने चबा सकता हूं, ये इस शरीर का अहम रूप का अहम, ये सब पाप में चले जाएंगे। अब पाप का दूसरा रूप कि जिनका मन उपयोग पूजा में लगता तो नहीं लेकिन जिस प्रकार से पूजा करके भी ढींग हांकते हैं कि मैं भैया दो पूजा रोज करा रहा हूं बिल्कुल नियम है मेरे 25 बरस हो गए, तुम जे बताओ
कि 25 वर्ष में तुमने दो पूजाएं की, सो शाबाश, लेकिन तुम्हारा उपयोग कहां रहता था? तुम जिनकी पूजा करते थे उन पूज्य को पहचानते हो? उनके गुणों को जानते हो? क्यों पूजा करते हैं ये जानते हो? पंडित जी हमें ज्यादा बातें मत सुनाओ, हम बहुत जानते हैं, हम तो जा थाली करत तो अब ये हैं तो पापी हैं, तो ये गधा, लेकिन सियार की वो ओल्ड लीज ने है तो पापी ही। मैं नहीं कहता हूं, टोटा मंजी लिखते हैं, है तो पापी ही, लेकिन ऊपर से पुण्य की चादर ओढ़ ली, उपयोग नहीं लगता है। जिस प्रकार से कुर्रा कुर्रा के पूजा कर लें, अब कुर्रा के मतलब समझ गए, कुर्रा के कुर्रा कुर्राने के भी दो रूप हैं, एक तो सैमी कुर्रा है और एक ऊपर से तो खुश दिखाई दे लेकिन अंदर से जा लगा कि जल्दी छूटे से दुकान जाए। सुबह टीवी देख रहे हो, ठंड के दिन में बैठे हो, अब कहा है आज अष्टमी हुई है पूजा नहीं करने, अरे करने तो है कि जेब ये कुर्रा नहीं है, जी तो जो हो रहा कि नहीं जाना पड़े समझा। जिन मंदिरों में पुजारी नहीं होती हैं और पानी भरना पड़ता हो उनकी हालत देखो आप, अंदर ही अंदर ऐसी लगा लेट चलेंगे, कोई भल्ले आए तो अच्छा है। जी क्या है? नहीं जी क्या है मैंने जी, माने अब फिर ऊपर से तुम कहो कि हमने 25 साल पूजा करी तो हम ये कहते हैं, तुम हमको तो नहीं ठग सकते, भगवंतों को भी नहीं ठग सकते, और सुनो कर्म भी नहीं ठगाएंगे, कर्म भी नहीं ठगाएंगे। अब तुम किसको बेवकूफ बना रहे, तुम समझ लो भाई। माने एक पाप का है, हमने दो अर्थ हुए अपने, एक तो बिल्कुल पाप है, एक पुण्य की आड़ में पाप है, ये दोनों ही पाप है। ऐसी व्रत उपवास में लगा लेना आप, करते तो आप प्रतिमा का नाम लेकर के हमारी इतनी प्रतिमा इतनी प्रतिमा इतनी प्रतिमा इतने व्रत इतो त्याग इतो त्याग इतो त्याग, लेकिन उसके पीछे तुम्हारा अहंकार बैठा हुआ है, तो पाप ही पुण्य की आड़ में है। एक 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 चर्चा तो जी पूरी हो गई। अभी दूसरी बात यह है कि जो पुण्य क्रियाएं सचमुच ईमानदारी से भी करते हो, व्रत उपवास नियम संयम अच्छी ईमानदारी से भी करते हो, लेकिन बेजी भी यदि उन क्रियाओं के बल पर प्रसन्न होकर के कि मैं बड़ा हो गया, महान हो गया, बड़ा व्रती त्यागी हो गया, इसके फल में मुझे स्वर्गाधिक मिलेंगे, मोक्ष मिलेंगे, और इसमें हर्षित होता है, वे ईमानदार पुण्यात्मा है। है तो ईमानदार पुण्यात्मा, लेकिन उसका भी अहंकार है। तब फिर आगे जाकर ये बात कहते हैं, धन है वे ज्ञानी नेकी कर दरिया में डाल, यदि कुछ अच्छा भी किया है तो दरिया में डाल दिया है, अर्थात गिनते नहीं है। दरिया में डाला माने गिनते नहीं है, वे धर्मात्मा हैं, उनके जीवन में पुण्य भी है, विवेक भी है, सदाचरण भी है, लेकिन उनका अहंकार नहीं है, और इसीलिए ऐसे ज्ञानी जीव भेद विज्ञान करते हुए, स्वरूप के ज्ञाता होते हुए, आत्मा का आश्रय करते हुए, संयमी होते हुए, समाधि लेते हुए मोक्ष को पाते हैं। अब क्या करना है सो आप सोच लो है। अरे रे भाई, हमेशा निर्माण बनो निर्माण। और मैं एक बात आपको क्या कहें आपको, अच्छा मान कसाई करने से फायदा क्या क्या होता है सो आप बता दे। चलो मुंह से कहोगे तो दुनिया आपका आपकी हंसी करेगी, मैं कहूंगी मैंने कितना बढ़िया प्रवचन करा, एक बात है पंडित जी की सेली बेरी तो ठीक ही है, लेकिन इन्हें बोलवे को अहंकार बहुत, आप करोगे नहीं करोगे बोलो, कोई दान दे देवे दान, क्यों 1 लाख में दे दो, 1 लाख पंच कल्याण में दो, 1 माह तो मालूम है, जब देखो जब उनको फोन आप जतीश भाई को, जब देखो जब भाई कुमार जी को फोन आप, कहा सेठ जी आपको हमारी भैया बहुत पूछ पराख है, अब जी क्या हुआ जी, आप क्या कहोगे कि देते तो हैं पैसा लेकिन कहोगे नहीं कहोगे, कोई कमाने का भी करा नहीं, समझ लो। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, थोड़ा यहां पर अत्यंत भाव का विचार करना, अत्यंत भाव का, एक कैंसर का मरीज पड़ा हुआ है, उसकी तिजोरी में 1 करोड़ पड़ा हो कि 10 करोड़ पड़ा हो, उस बिचारे कैंसर के मरीज को क्या फर्क पड़ने वाला है, बताओ उसकी पीड़ा में क्या फर्क होने वाला है 1 करोड़ की 10 करोड़। अच्छा चलो वो मरीज नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है और मुंह में रसगुल्ला रखा हुआ है, तो 1 करोड़ होने पर रसगुल्ले का कितना आनंद है और 10 करोड़ रखे होने पर रसगुल्ले का कितना आनंद है, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा उसे। जिस तिजोरी के बल पर हम छाती फुलाते हैं उसका किस चीज में फर्क पड़ता है आप तुझे बता दो, बस कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, लेकिन सुनो एक फर्क पड़ता है, आत्मा की परिणति मलिन होती है, उसके बसीभूत होकर के वो त्रियंश गति में चला जाता है,
एक कथा छोटी सी सुनाता हूं आपको, छोटी सी पारसनाथ भगवान की जी की कथा आती है पूर्वभव की। पूर्वभव में पारसनाथ मुनिराज, मुनिराज तो क्या कहें, हाँ मुनिराज थे, पारसनाथ मुनिराज पूर्वभव में, पारसनाथ का जी पूर्वभव में हाथी की पर्याय से पूर्व पर्याय में, ऐसा कहते हैं मुनि थे, सामान्य मुनि थे, सामान्य, कोई रिद्धि नहीं थी, आकाशगामी विद्या नहीं थी उनके पास। लेकिन उसी समय कोई आकाश मार्ग से मुनिराज पधारे, लोगों को समाचार मिल गया नगर वालों को कि यहां पर आकाश मार्ग से चलने वाले चारण रिद्धिधारी मुनिराज पधारे हैं, तो निश्चित रूप से खूब महिमा आई, अरे चलो चलो आज तो महान अपन पवित्र हो जाएंगे, अपना धन्य भाग्य है, चारण रिद्धिधारी मुनिराज मिलेंगे अपने को। और वे मुनिराज तो गमन कर गए और जे वहां पर बैठे थे, जे वहां वे चले गए, जे बैठे थे। तब सारे लोग नगरवासी इनके सामने रत्नों से पूजा करने लगे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े माणिक मोतियों से पूजा करने लगे, हे प्रभु धन्य है आपकी तपस्या, धन्य है आपका बल, धन्य है आपका ज्ञान, धन्य है आपका वैराग, धन्य है आपकी रिद्धियां जो आप चरण रिद्धिधारी हैं, अरे रे हम तो महाभार से हमारा महाभाग्य कि आप हमारे नगर में पधारे। और वे चुपचाप सुनते रहे। अब इसमें उन्होंने ना तो मुंह से कुछ कहा था कि हम चरण रिद्धिधारी हैं और ना उन्होंने कुछ किया, बैठे रहे केवल, और उसमें अपना बड़प्पन मानते रहे, समझ लीजिए। देखो शरीर झांके तां रह गया, लोग झांके तां रह गए और माणिक मोती भी वहां चढ़े रहे, लेकिन उन मुनिराज का संयम भ्रष्ट हुआ और देह छूट करके हाथी की पर्याय में आ गए कि तुम्हें मान कसाय में नाक बड़ी चाहिए थी ना, नाक बड़ी चाहिए थी ना, हमारी नाक नहीं घिस जाए, हमारी नाक नहीं कट जाए, हमारी नाक रह जाए, इज्जत रह जाए, जाओ। तो हाथी की पर्याय में इतनी बड़ी नाक हुई कि हमेशा नाक कभी छोटी नहीं हुई। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, सो आप बता दे। वैसे ये प्रजमानियों की कथाएं आप पढ़ना, कहने का मतलब क्या है, आप तो बस हमें इतना बता दो कि आपके अहंकार करने से पैसा झांकेता रहता है, मकान झांकेता रहता है, आपके बच्चों की कोई तारीफ कर दे तो बच्चे झांकेता रहते हैं, आपके बच्चे कितने ही बढ़िया अच्छे से अच्छे बन जाए तो तुम्हारा क्या भला होने वाला है। दृष्टांत देता हूं आपको, रावण के पुत्र मोक्ष में चले गए, रावण का कौन सा भला हो गया, रावण की पूजा हो रही है, रावण की वो रावण के बच्चों की स्तुति हो रही है, पूजा हो रही है, रावण की स्त्रियां पूजी जा रही हैं लोक में, धन है भैया धन है, आरिका बन गई हैं, रावण को क्या फायदा। अब रावण यदि अहंकार करेगी मेरे सुयोग्य पुत्र और मेरी सुयोग्य पत्नियां, तो रावण को क्या लाभ होने वाला है, है? नहीं आप सोचना, कभी आप अपने बच्चों का इतना अहंकार करते हो, कभी उसका संपत्ति का, कभी इसका, आपको मालूम नहीं। अब कर्णानियों का आप पढ़ोगे तब आपको मालूम पड़ेगा, जिन्हें ऐसा लगता है मेरा महल कितना अच्छा, मेरा मकान कितना अच्छा, ऐसा लगता है इस घर को तो कभी नहीं छोड़े, ऐसा लगता है सदा यहीं रहें, अब हमें कहीं नहीं जाना, अब तो बस यही अच्छा लगता है। तुम्हें नहीं मालूम देह छूटने के बाद यही अहंकार तुम्हें यहां छिपकली बनाएगा, तुम्हें यहां मकड़ी बनाएगा, मकड़ी। तुम्हें नहीं मालूम जहां जहां तुम्हें अच्छा लग रहा है वहीं तुम्हें चींटियां बनना पड़ सकता है। तुम्हें ये लगता है हमारा खेत, हमारे इतने खेत, तुम्हें नहीं मालूम जो कुत्ते घुआं करते हैं खेतों में, ये कभी इसके मालिक रहे होंगे मनुष्य भाव में, उन्होंने ये सोचा होगा ए कोई घुस नहीं जाए, मेरी सीमा कोई कब्जा नहीं कर ले, अभी कुत्ते बन के उसकी पैरेदारी कर रहे, सर्प बन के। सर्प का तो प्रसिद्ध ही है मत कि जिस धन में उसका ममता होती है वहां वो सर्प मर करके हो जाते हैं और उस धन की रक्षा करते हैं, खजाने की रक्षा करते हैं। कर्णानी तो पढ़ो, थोड़ा कर्णानी विचार करो आप, है? एक हेमसेन नाम के मुनिराज, हेमसेन नाम की कथा आती है उसमें मदन पराजय में, हेमसेन नाम के मुनिराज जो अपन पढ़ते हैं ना खरबूजे में लट हुए, हेमसेन नाम के मुनिराज खरबूजे की खुशबू आई तो ऐसे प्रसन्न हुए, बड़े अच्छे स्वादिष्ट हैं, आहार में मिले नहीं, अब मिले तो ठीक है, मिलेंगे तो भोगूंगा खाऊंगा, मैं भी इनको भोग करूंगा। उसी समय आयु का बंद हो गया, बाद में देह छूटी तो वे मुनिराज खरबूजे में लट हो गए। क्या हुआ ये, कितना फायदा है, पर के भोगों का अहंकार, इतने महंगे पड़ेंगे इतने महंगे। हम देह सास गुरु का वियोग तो हो ही जाएगा, सत्समागम तो छूटी जाएगा, आत्माराधना का लग तो छूटी जाएगी और हम कहीं के कहीं चले जाएंगे,
यदि सचमुच हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में निर्मलता आए तो व्यर्थ का अहंकार मत करना। ये पात्रता की थोड़ी चर्चा आज की है, अभी भगवती आराधना के आधार से और चर्चा कल करेंगे। ओम नमः शिवाय करना। ये पात्रता की थोड़ी चर्चा आज की है, अभी भगवती आराधना के आधार से और चर्चा कल करेंगे। ओम नमः।